स्टूडेंट्स, क्लास फोर्थ सेवेंथ चैप्टर द बॉय हु वांटेड टू रीड। चैप्टर शुरू करने से पहले इसका टाइटल समझ लेते हैं। ये कहानी है एक ऐसे लड़के के बारे में जो कि पढ़ना चाहता था, अपनी लाइफ में कुछ करके दिखाना चाहता था। उसकी डिसेबिलिटी, उसके साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से वो देख नहीं पा रहा था। उसके डिसेबिलिटी को उसने पीछे रखा और उसने मेन फोकस किया अपनी स्टडीज़ पर। तो यही उस लड़के की कहानी है, द बॉय हु वांटेड टू रीड, जिसे लुईस ब्रेल के नाम से सब लोग जानते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देयर वॉज अ टाइम लॉन्ग अगो व्हेन मोस्ट पीपल थॉट दैट ब्लाइंड कुड नेवर रीड। ऐसा एक समय था काफ़ी सालों पहले जब लोग ये समझते थे कि जो अंधे लोग होते हैं वो कभी नहीं पढ़ सकते। इट वॉज बिलीव दैट ओनली वे टू रीड वॉज टू लुक एट वर्ड्स विद योर आइज। ऐसा माना जाता था कि पढ़ने का सिर्फ एक ही तरीका है, जैसे हम किताब को हाथ में उठाकर अपनी आँखों से उन वर्ड्स को पढ़ें। लेकिन एक यंग बॉय था जो कि एक फ्रेंच, यानी कि फ्रांस का लड़का था, फ्रेंच बॉय था, जिसका नाम था लुईस ब्रेल। उसने अलग, इन सब थॉट्स से अलग सोचा एंड मेड बुक्स कम अलाइव फॉर द ब्लाइंड, और किताबों में जान डाल दी ब्लाइंड लोगों के लिए भी। यानी कि लुईस ब्रेल ने कुछ ऐसा किया जिससे ब्लाइंड लोग भी पढ़ने लगे। इसी बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। द ईयर वॉज 1812 की एक कहानी है। पेरिस की एक स्मॉल टाउन में एक 3 साल का बच्चा लुईस खेल रहा था अपने फादर की वर्कशॉप में। उसके फादर लेदर की वर्कशॉप में काम करते थे। उनके फादर की लेदर की वर्कशॉप थी जिसमें वो लेदर से कई चीज़ें बनाते थे, जैसे बेल्ट, जैसे पर्स, इस तरीके के कई आइटम्स उनकी वर्कशॉप में बनते थे। तो एक दिन छोटा लुईस, 3 साल का बच्चा, अपने फादर की वर्कशॉप में खेल रहा था। लुईस पूरा दिन बिता दिया करता था वहाँ पे खेलने में, लेकिन पापा मना करते थे कि स्टे अवे फ्रॉम दोज नेल्स, इन सब चीज़ों से दूर रहो, इन पेचकस, इन नुकीली चीज़ों से दूर रहो। फादर अक्सर उसे इंस्ट्रक्ट किया करते थे, माने कि उसे ऑर्डर दिया करते थे, उसे समझाया करते थे, गाइड किया करते थे। लेकिन लुईस नॉडेड होता, गर्दन हिला के मना कर देना। वो गर्दन हिला के मना कर देता, नहीं मैं नहीं मानूंगा, मैं तो खेलूंगा। और वो बहुत ध्यान से चीज़ों को देखा करता था कि फादर उसके किस तरह काम कर रहे हैं। और क्यूरियस लिटिल लुईस, और छोटा सा क्यूरियस माने जिसमें बहुत कुछ करने की इच्छा होती है। एक दिन उसने सोचा कि मैं भी इस औजारों को उठा लेता हूँ। और जो औजार, जो इंस्ट्रूमेंट्स उसके पापा के रखे हुए थे, उसमें से उसने उठा ली एक ऑल। ये होती है एक ऑल, जो कि एक शार्प पॉइंटेड ऑब्जेक्ट है जो 3 साल के बच्चे के लिए खतरनाक लग रहा है। ये बहुत शार्प होता है, पॉइंटेड होता है। अच्छा, इसके वुडन एक हैंडल होता है जैसे कि हम पिक्चर में देख ही रहे हैं। और इससे मिस्टर ब्रेल, यानी कि उसके फादर, बेल्ट में छेद किया करते थे। तो वो ऑल के साथ खेलने लगा और बाय चांस उसका हाथ फिसल गया और उसने एक जोर से चीख मारी, आ! और जब उसके फादर ने ये आवाज़ सुनी तो उसके फादर भागे और उन्होंने देखा कि नुकसान तो हो चुका है। क्या नुकसान हुआ था? जो ऑल थी उसने लुईस की आंख में घाव कर दिया था, वो लुईस की आंख में घुस गई थी। फिर उसके फादर ने उसे गोदी में उठाया और गोदी में उठाकर भागते भागते उन्होंने कहा, वी आर गोइंग टू टेक यू टू द डॉक्टर। ठीक है, वो सड़कों पर अपने बेटे को लेके भाग रहे हैं क्योंकि बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन है। कुछ दिनों में जो उसकी चोट थी, वाउंड होता है चोट, उसमें इन्फेक्शन फैल गया और वो इन्फेक्शन धीरे धीरे लुईस की दूसरी आँख तक पहुँच गया और वो उस आँख को भी ख़राब करते हुए उस बच्चे को पूरा ब्लाइंड बना देता है वो इन्फेक्शन। और जब लुईस थोड़ा बड़ा होता है तो उसने लाइफ में अपने आप को एडजस्ट करना सीख लिया, खाना सीख लिया, पीना सीख लिया, चलना सीख लिया, सोना सीख लिया, और धीरे धीरे उसने स्कूल जाना भी फिर से शुरू कर दिया। और वो पढ़ाई में भी काफ़ी अच्छा कर रहा था क्योंकि वो बहुत ही इंटेलिजेंट और क्रिएटिव बच्चा था। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये बात कि लुईस बहुत डिटरमाइंड था, अपनी चीज़ को लेके बहुत ही पर्टिकुलर था, और वो कभी भी नहीं चाहता था कि जो उसकी डिसेबिलिटी है, उसका जो अंधापन है, उसका जो ब्लाइंडनेस है, वो उसको किसी भी चीज़ में पीछे छोड़ दे। यानी कि वो बहुत डेस्परेट था कि वो लाइफ में कुछ करेगा और ये छोटे मोटे एक्सक्यूज़ से वो नहीं डरता था। सून लुईस हर्ड ऑफ अ स्पेशल स्कूल। लुईस स्कूल जा ही रहा था लेकिन उन दिनों धीरे धीरे उसे प्रॉब्लम आने लगी
क्योंकि वो बोर्ड पे नहीं देख पाता था और बहुत सी चीज़ें थी जो आम बच्चों की तरह नहीं कर पाता था। तो उसने थोड़े दिनों में सुना कि पेरिस में एक नया स्कूल है जो कि ब्लाइंड लोगों के लिए, ब्लाइंड बच्चों के लिए है, और वो स्पेशल स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाता है और दो बार या एक बार कुछ भी नहीं सोचता, बस अपना बैग उठाता है और सीधा चला जाता है हॉस्टल पेरिस के। स्कूल जाता है तो उसको लगता है, जो वो लुइस ये देखता है, जो स्पेशल बुक्स उसने देखी थी ब्लाइंड के लिए वो पढ़ने के लिए उसे कुछ अटपटी लगी। और वो किताबें बनाई थी उस स्कूल के फाउंडर ने, जिनका नाम था वैलेंटाइन हॉय। उसने वो बुक्स बनाई थी बहुत लार्ज लेटर्स की, जो उन पेजेस पे उभरे हुए होते थे, पीछे की तरफ से उभरे होते थे, और लेटर्स बहुत ही बिग हुआ करते थे और बुक बहुत मोटी हुआ करती थी और बहुत ही एक्सपेंसिव होती थी। और स्कूल के अंदर, लाइब्रेरी के अंदर 14 किताबें थी। एक्चुअली क्या होता था, जैसे ये एक किताब है, एक किताब पे एक पेज हुआ करता था, एक पेज पे एक ही लेटर होता था बहुत बड़ा बड़ा। तो वो इस, जैसे मैंने, मुझे बोलना है अरुण इज अ पुअर बॉय, ही लिव्ड इन अ विलेज, तो ए एक पेज पे, आर एक पेज पे, यू अनदर पेज पे, एन अनदर पेज पे, तो ऐसे कर करके फिंगर टिप से रीड करके वो पढ़ना होता था। लेकिन ये पढ़ना उसको थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा, क्योंकि जब तक वो स्टोरी के लास्ट में पहुंचता था वो पूरा का पूरा स्टार्टिंग ही भूल जाता था। और इसी की वजह से किताबें बहुत बल्की, यानी कि भारी हो गई थी, महंगी भी थी क्योंकि बहुत ही मुश्किल से बनती थी और स्कूल में खाली 14 ही थी। तो हर एक लेटर को फिंगर टिप से पढ़ना होता था। लुइस सेट अबाउट रीडिंग द बुक इन द स्कूल लाइब्रेरी। लुइस बैठ गया स्कूल लाइब्रेरी में वो पढ़ने के लिए, और वो बहुत ही लंबा टास्क था और बहुत ही टाइम टेकिंग था, डिफ़िकल्ट था, क्योंकि एक शब्द को पढ़ना तो बड़ा आसान था, कुछ सेकंड में ही पढ़ लेते थे, लेकिन मैंने जैसे आपको बताया, जितना जब तक वो लास्ट में सेंटेंस के पहुँचता था वो स्टार्टिंग ही भूल जाया करता था, क्योंकि इतने पेजेस लग जाया करते थे। तो उसने सोचा, लुइस ने, ज़रूर कोई बेटर वे होगा पढ़ाई के लिए, और अपने आप से बात करते हुए उसने ऐसा कहा। फिर उसने ढूंढने की कोशिश करी कि कोई और बेटर वे है जिससे कि मैं पढ़ सकूं। लुइस ने काफ़ी सोचा और काफ़ी विचार किया इस बारे में कि वो विजुअली इम्पेयर्ड यानी कि अंधे लोगों के लिए पढ़ाई कैसे करवा सके या खुद भी कैसे कर सके। तो उसे कुछ पता चला कि कुछ सिंबल्स भी क्रिएट होते हैं जो कुछ लेटर को रिप्रेजेंट करते हैं और उन्हें टच से पढ़ा जा सकता है, लेकिन फिंगर रीडिंग वॉज स्लो एंड डिफ़िकल्ट एंड सिंबल्स वर कॉम्प्लेक्स। कौन सा सिंबल ए है, कौन सा बी है, ये सब रिकॉल कर पाना, फिर उस वर्ड को जोड़ पाना माइंड में, इतना इजी टास्क नहीं था। उसे चाहिए था कोई अल्फ़ाबेट कोड टू मेक रीडिंग बाय टच क्विक एंड ईजी, कि जिससे टच करके रीडिंग ईजी बन जाए और जल्दी भी पढ़ा जाए। तो उसे ऐसा एक अल्फ़ाबेट कोड चाहिए था, और जैसे भाग्य ने चाहा ऐसा ही हुआ। लुइस को धीरे धीरे पता चला नाइट राइटिंग के बारे में, जो कि कैप्टन चार्ल्स बाबिया ने बनाई थी। नाइट राइटिंग क्या होता है कि वहाँ पर युद्ध चला हुआ था, तो फ्रेंच आर्मी एक दूसरे को मैसेजेस भेजा करती थी अंधेरे में। वो अंधेरे में मैसेज इसलिए भेजते थे क्योंकि वो मैसेज वॉर से रिलेटेड, क्योंकि अगर वो माचिस जलाएंगे तो ये एनिमी को पता चल जाएगा कि यहाँ पर आर्मी रुकी हुई है और वहाँ पर वो बॉम्ब फेंक देंगे, इसीलिए वो लाइट नहीं जला सकते थे, बिल्कुल ब्लैकआउट करके रहा करते थे। लेकिन सोल्जर्स रात को मैसेज पढ़ते कैसे थे, कुड ओनली रीड मैसेजेस बिकॉज दे वुड नीड लाइट इफ दे लिट अ मैच। मैंने जैसे आपको बताया, अगर उन्होंने माचिस जलाई तो फिर आर्मी अट्रैक्ट हो जाएगी, अपोजिट आर्मी, और उन पे बम गिरा देगी। तो इसी वजह से वो एक अल्फ़ाबेट का कोड यूज़ करा करते थे, छोटी छोटी डॉट से बना हुआ और डैशेस से बना हुआ, और ये सिंबल्स जो थे वो पेपर के ऊपर उभरे हुए करते थे। तो सोल्जर्स अपने हाथों से, फिंगर टिप से उनको टच करके उनका ऑर्डर, अपने ऑफिसर का ऑर्डर समझ लिया करते थे। लुइस को इस बारे में पता चला तो उसने कहा मैं भी ये कोड यूज़ करूँगा। उसने ये महसूस करा कि ये कोड औरों से ज़्यादा है और वो इस बढ़िया है, और वो इस कोड को और इम्प्रूव करना चाहता था। अगली बार जब उसकी हॉस्टल में छुट्टी पड़ी और लुइस अपने घर गया छुट्टियाँ बिताने के लिए, तो वो फिर से पहुँचा अपने फादर की लेदर वर्कशॉप में। उसने उठाया वही ऑल, लेकिन इस बार उसने उठाया ब्लंट ऑल, और उसके दिमाग में एक बहुत फ्लैश, सडनली एक आइडिया आया।
वही इंस्ट्रूमेंट, वही टूल यानी कि वही ऑल जिससे उसको हार्म पहुंचा था और वो ब्लाइंड हो गया, आज वही टॉल वही ऑल उसको मदद करेगा एक नई इन्वेंशन करने के लिए। उस कई दिनों तक वो अपने फादर की वर्कशॉप में बैठकर अल्फ़ाबेट को ट्राई करता रहा जो उसने 6 डॉट से बनाया था। हर एक लेटर 6 डॉट से बना होता था और डिफरेंट डिफरेंट डॉट की जो पोजीशन चेंज होती थी वो उससे डिफरेंट डिफरेंट लेटर अल्फ़ाबेट बनते थे। जैसे ए में ऐसे लगा लो आप 3 डॉट इधर 3 इधर तो ये बन गया उसका ए, इसीलिए पोजीशन डॉट्स की वो चेंज करता रहता था। और एक दिन उसने ब्लंट ऑल से लेकर के सेंटेंस ही पूरा लिख डाला पीछे की तरफ से पंच कर करके, और उसने अपने दिल पे हाथ रखा और एक हाथ से उसे पढ़ना शुरू करा। और जब उसने पढ़ना शुरू करा तो वो पूरा का पूरा सेंटेंस आराम से पढ़ पा रहा था, लगता है उसका आइडिया काम कर गया था। और अभी उम्र ही क्या थी, 15 साल की उम्र में उस लड़के ने एक नया रीडिंग और राइटिंग सिस्टम अंधे लोगों के लिए स्टार्ट कर दिया था। दिस रीडिंग एंड राइटिंग सिस्टम इज़ यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड टुडे, और वो ही रीडिंग और राइटिंग सिस्टम आज भी दुनिया के हर कोने में यूज़ किया जाता है जिसे हम ब्रेल के नाम से जानते हैं। और आज की दुनिया में ब्रेल की मदद से ब्लाइंड सब कुछ पढ़ पाते हैं। स्पेशल कंप्यूटर्स ब्रेल के बनाए गए जिससे कि उनको वर्क करने में आसानी हुई और वो पूरी दुनिया से कनेक्ट हो सकते हैं, गूगल भी कर सकते हैं। क्योंकि लुईस को पसंद था म्यूज़िक, इसने उसने म्यूज़िकल कोड्स भी ब्रेल लैंग्वेज में बनाने शुरू करे और इसी की वजह से वो म्यूज़िकल नोट्स बना पाया, और म्यूज़िकल नोट्स बनने की वजह से कई ट्यून्स भी ब्लाइंड लोग बना पाए। इंडिया ने उनको सम्मान देने के लिए एक 2 रुपये का कॉइन उनकी 200 बर्थ एनिवर्सरी पर निकाला। इस कॉइन की खासियत ये थी कि इसमें पोर्ट्रेट बना हुआ था लुईस ब्रेल का और उनका नेम भी खुदा हुआ था ब्रेल लैंग्वेज में। ये जो आप देख रहे हो ना ये वाला, हर किसी पे नहीं, एक स्पेशल कॉइन निकला था, मतलब उसकी भी काफ़ी वैरायटी है। और कई कंट्रीज़ में नोट्स के ऊपर भी ब्रेल सिंबल्स होते हैं जिससे कि ब्लाइंड पीपल भी मार्केट जाकर अपनी चीज़ें ले सकते हैं या मनी एक्सचेंज कर सकते हैं। दिस हेल्प द ब्लाइंड टू आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ द नोट, वो ऊपर पढ़ लेते हैं कि कौन से नंबर का नोट है, कितने रुपए का नोट है। ये सब पॉसिबल हो पाया सिर्फ एक ब्लाइंड लड़के की वजह से जिसके पास एक सपना था कुछ कर दिखाने का। और लुईस ब्रेल नॉट ओनली अचीव्ड हिज ड्रीम टू रीड, उसने खाली अपनी ड्रीम को ही नहीं अचीव करा पढ़ने और लिखने के लिए बल्कि उसने लाखों हज़ारों लोगों को लिखना और पढ़ना सिखा दिया जो कि उसकी तरह ब्लाइंड थे। तो हैट्स ऑफ टू लुईस ब्रेल। आगे की वीडियो में मैं अपलोड करूँगी बुक एक्सरसाइजेस एंड क्वेश्चन आंसर्स, सो डू वॉच दैट। बाय बाय।